बांका में यातायात थाना के प्रथम डीएसपी नीरज कुमार बने, जहां बांका में यातायात व्यवस्था का सुधारना अब इनके कंधे पर है। यहां की जनता को भी इनसे काफी उम्मीद है। लोगों को भरोसा है कि अब आम की समस्या से समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि यातायात व्यवस्था को कैसे ये दुरुस्त करते हैं। खास करके कटोरिया बस स्टैंड से लेकर बांका थाना तक बड़ी बड़ी बस के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, उससे लोगों को कैसे निजात दिलाते हैं। और अभी यातायात थाने को बैठकर उसी की समीक्षा मुख्यमंत्री के साथ कर रहा था और बहुत चीज़ों की जानकारी ले रहा हूँ, क्षेत्र की जानकारी ले रहा हूँ। और इस जानकारी के बाद हम लोगों का ये प्रयास होगा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश में हम लोग यातायात को कितने अच्छे ढंग से संघारित कर सकते हैं, आम जनता को सुविधा दे सकते हैं। और जनहित के ख्याल में रखते हुए हम लोग वरीय पदाधिकारी निर्देश सब कार्रवाई करेंगे और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने का और अधिक करने का प्रयास। सर, कटोरिया स्टैंड से जो बस खुलती है वो पूरा मार्केट सर धीरे धीरे यहाँ तक क्रॉस करती है, जिसके वजह से काफी जाम बंद होते रहता है, इस पर क्या कुछ? देखिए, अभी हमको यहाँ का भौगोलिक जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, रोड की जानकारी नहीं है और क्या समस्या है इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम सबको जानकारी ले रहे हैं और जो भी समस्याएं आएंगी जनता के द्वारा या आप लोगों के द्वारा हमें तो बताया जाएगा, हम लोग वरीय पदाधिकारी से निवेश प्राप्त करके उस समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे।